और वो भी एक मोबाइल ऐप के थ्रू, हम एक मोबाइल ऐप से हम कैसे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं ये हम सीखेंगे इस सेशन में। और ये सेशन आप लोगों के साथ, इस सेशन में मैं ही जुड़ी रहूंगी, तो ये सेशन मैं आपका लूंगी और मैं बताऊंगी किस तरीके से आप एक सॉफ्टवेयर के, एक मोबाइल ऐप के थ्रू कैसे आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, छोटे छोटे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो और जिस ऐप के थ्रू हम करेंगे तो उस ऐप का नाम है स्टॉप मोशन स्टूडियो। हो सकता है कि इस जो वर्कशॉप में काफी लोग इस सॉफ्टवेयर को जानते भी हों, इस ऐप से अवेयर भी हों, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया ऐप हो। तो जो लोग अगर जानते भी हैं तो अच्छी बात है, हम यहाँ पे कंबाइंड लर्निंग करेंगे, और जो लोग इससे अवेयर नहीं है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको एक नए ऐप के बारे में पता चलेगा। तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एनिमेशन क्या है, इसका पर्पस क्या है। ये हमने प्रीवियस सेशन में, हमें अच्छे से आयुष सर ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एनिमेशन क्या होते हैं। एनिमेशन, किसी भी एनिमेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन क्या है, जैसे 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, तो ये उन्होंने हमें बताया। और किसी भी एनिमेशन प्रोग्राम को बनाने की प्री रिक्विजिट्स क्या होती हैं वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। उन्होंने हमें डिफरेंट फॉर्मेट्स के बारे में बताया। तो जो एनिमेशन है, स्टॉप मोशन एनिमेशन, उसका एक एक टाइप है। एनिमेशन बहुत टाइप के होते हैं, तो ये स्टॉप मोशन जो एनिमेशन है उसका एक टाइप है। तो स्टॉप मोशन एनिमेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कुछ पिक्चर्स जो है उसको हम ड्रॉ करते हैं और उसको एक सीक्वेंस में प्लेस करते हैं, और जब हम इन पिक्चर्स को एक साथ प्ले करते हैं तो हमें एक मोशन दिखता है, उसको हम स्टॉप मोशन एनिमेशन कहते हैं। हालांकि वो जो मोशन होता है वो रियल नहीं है, क्योंकि पिक्चर्स जो है वो स्टिल हैं। हमने पिक्चर्स क्लिक किया, पिक्चर्स ड्रॉ करी, हमने उनको क्लिक किया, वो स्टिल पिक्चर्स को जब हमने प्ले किया, जब सारी पिक्चर्स एक साथ प्ले होती हैं तो वो हमें एक इल्यूजन देती है मोशन का। वो रियल मूवमेंट नहीं होता है, वो केवल एक इल्यूजन होता है हमें मोशन का। तो इस जो इल्यूजन होता है, जो मोशन हमें फील होता है, उसको हम स्टॉप मोशन एनिमेशन कहते हैं। तो सिंपल 3 स्टेप्स होते हैं। पहला कि हमने कोई पिक्चर्स क्रिएट करी, बनाई, हमने उसके पिक्चर्स क्लिक किए, और थर्ड हमने उसको प्ले किया। सिंपल 3 स्टेप्स होते हैं स्टॉप मोशन एनिमेशन। बहुत ही सिंपल टाइप का एक ये एनिमेशन होता है जो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में बना सकते हैं एक मोबाइल ऐप के माध्यम से। अब स्टॉप मोशन एनिमेशन में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ऑब्जेक्ट मोशन, जब आप किसी भी तरीके का एनिमेशन, स्टॉप मोशन एनिमेशन क्रिएट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हो तो वो ऑब्जेक्ट मोशन होता है। क्ले, जब हम क्ले से कोई भी ऑब्जेक्ट्स बना भी सकते हैं, कोई कैरेक्टर बना सकते हैं, और उनका अगर यूज हम करते हैं, उनसे हम अगर स्टॉप मोशन एनिमेशन बनाते हैं तो क्ले मोशन एनिमेशन होता है। कटआउट मोशन, जिसमें हम पेपर कटआउट्स बनाकर उसका अगर एनिमेशन बनाते हैं तो वो पेपर का वो कटआउट मोशन होता है। और पपेट एनिमेशन होता है, जिसमें हम कोई भी टॉय या पपेट का यूज करते हैं एनिमेशन में, तो वो हमारा पपेट एनिमेशन होता है। तो इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी, एक क्ले मोशन एनिमेशन का और कटआउट मोशन का। और जो हम सीखेंगे वो हम कटआउट मोशन से सीखेंगे, कटआउट मोशन वाला एनिमेशन सीखेंगे, क्योंकि वो काफी आसान भी होता है, उसमें आप डिफरेंट पोजीशंस भी दिखा सकते हैं। वैसे आप बहुत ही सिंपल होता है, सिंपल कि आप सिंपली ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। तो ये हम एग्जाम्पल देखेंगे इनके और सीखेंगे कटआउट मोशन।
ये आप देखेंगे कि बहुत सारे फ्री एंड ओपन सोर्स टूल हैं जो एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हम जो सीखेंगे आज वो है स्टॉप मोशन स्टूडियो। ये एक मोबाइल बेस्ड ऐप है, ये डेस्कटॉप वर्जन भी है इसका, लेकिन जो यूजर जो एक्सपीरियंस आपको जो अच्छा मिलेगा वो मोबाइल से मिलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया स्टॉप मोशन एनिमेशन में क्या करना होता है, आपको पिक्चर्स क्लिक करनी होती है। तो अगर आप डेस्कटॉप से या लैपटॉप से इसको यूज करेंगे तो आप पिक्चर्स क्लिक नहीं कर पाएंगे, तो मोबाइल से आप अच्छे तरीके से पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। तो मोबाइल पर इसका एक्सपीरियंस जो वो ज्यादा बेटर होता है, अच्छा होता है, तो आप इसको यूज करें तो मोबाइल से ही यूज करें। ये आप देखेंगे स्टॉप मोशन स्टूडियो का लोगो है, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में, जो एंड्रॉयड यूजर्स और आईओएस दोनों पर ये कंपैटिबल है, आपको दोनों प्ले स्टोर्स पे ये मिल जाएगा। आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे, स्टॉप मोशन स्टूडियो टाइप करेंगे तो आपको ये लोगो दिखेगा, ये स्टॉप मोशन स्टूडियो का लोगो है। अब आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया, अब आपके पास क्या रिक्वायर्ड मटेरियल आपको चाहिए कि जिससे कि आप ये बना सकते हैं। तो आपको तीन चीजें चाहिए होती हैं, एक स्मार्टफोन, क्योंकि ये मोबाइल बेस्ड है तो आपको स्मार्टफोन की जरूरत होगी, एक स्टोरी लाइन की जरूरत होगी, क्योंकि आप कोई भी एनिमेशन, कोई भी मल्टीमीडिया, नॉट एनी एनिमेशन, आप कोई भी, अगर कोई भी आप मल्टीमीडिया या कोई भी आप क्रिएट कर रहे हो, तो आपको एक स्टोरी लाइन की बहुत जरूरत होती है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्टोरी पर वो एनिमेशन, वो वीडियो, ऑडियो या कोई भी ग्राफिक्स आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके आपको एक स्टोरी लाइन की नीड होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टोरी लाइन क्या, आपके पास वो स्टोरी लाइन होनी चाहिए। और स्टोरी बोर्ड, स्टोरी बोर्ड क्या होते हैं, ये हमारे प्रीवियस सेशन में भी हमें आयुष सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि स्टोरी बोर्ड क्या होते हैं। स्टोरी बोर्ड हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारी कंप्लीट मूवी का, जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि इसमें हमें फ्रेम वाइज फ्रेम हर इंफॉर्मेशन हमारी एक हमारे हाथ में होती है कि इस फ्रेम के बाद हमारा नेक्स्ट फ्रेम ये होगा, जिससे कि हम एरर्स को मिनिमाइज करते हैं, हमारा टाइम सेव होता है और एक कंप्लीट पिक्चर हम विजुलाइज कर लेते हैं कि हमारी मूवी की स्टार्टिंग ऐसे होगी, हमारे एनिमेशन की एंडिंग ऐसे होगी। तो ये सारा हमें एक कंप्लीट एक पेज में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और स्टोरी बोर्ड्स आप हाथ से भी बना सकते हैं, ये डिजिटल भी हो सकता है। सर ने जैसे दिखाया था वो एक डिजिटल स्टोरी बोर्ड था, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम डिजिटल स्टोरी बोर्ड्स ही बनाएं। जैसे कि एक स्क्रिप्ट टू स्क्रीन प्रेजेंटेशन जो थी, उसमें मैंने बताया था कि टेम्पलेट्स भी होते हैं, आप अवेलेबल होते हैं, आप उन पे भी बना सकते हो। या अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक पेपर पर अपने हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो स्टोरी बोर्ड। ये आप देखेंगे कि बहुत ही बेसिक स्टोरी बोर्ड का एग्जाम्पल है, सिंपल A4 शीट पर ये स्टोरी बोर्ड बनाया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है कि आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए या आपको बहुत अच्छे से क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि आप एक स्टोरी का आइडिया दे रहे हो, तो ये आप हाथ से भी बना सकते हैं। तो जैसे कि इस स्टोरी में एक थ्रस्टी क्रो जो स्टोरी है वो सबने सुनी होगी, कि एक कौवा बहुत प्यासा होता है, वो जाता है, वो मटके में पानी देखता है, तो वही स्टोरी को हाथ से बनाया गया है। जैसे ये देखेंगे फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, ये जो पोजीशन आप देखेंगे फ्रेम 1 में कौए की पोजीशन यहाँ पर है, फ्रेम 3 में यहाँ आ गई, फ्रेम 4 में इसकी और मटके के करीब आ गई। तो इस तरीके से पूरी स्टोरी को पहले स्टोरी बोर्ड के माध्यम से हमने बना लिया है, उसको क्रिएट कर लिया है। तो इससे हमें ये पता है कि मुझे फर्स्ट फ्रेम में ये सीक्वेंस को क्लिक करना है, सेकंड फ्रेम में मुझे ये सीक्वेंस को क्लिक करना है, थर्ड में हमें इस सीक्वेंस को क्लिक करना है। तो पूरा ब्लूप्रिंट हमारी जो प्रोग्राम है उसका, हमें पूरा ब्लूप्रिंट हमने इसको क्रिएट कर लिया है। अब हमें सिर्फ इसको, हमें अपने स्टोरी बोर्ड को फॉलो करना है, क्योंकि हमने सारा अपना स्टोरी बोर्ड के माध्यम से हमने पूरा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपनी स्टोरी का क्रिएट कर लिया है। तो स्टोरी बोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्टोरी लाइन है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा स्टोरी बोर्ड होता है।
अब आप जब ये स्टेप है कि आपने स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप का नाम है, स्टॉप मोशन स्टूडियो ये ऐप का आइकन है, आप इसे अपने प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करेंगे, फिर इसको आप ओपन करेंगे। तो जब आप ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके उसमें दिखेगी, आपके फोन में कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी जब आप ये ऐप को ओपन करेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे, ये पेड वर्जन, ये चैट बॉक्स में आया है पेड वर्जन, स्टॉप मोशन स्टूडियो पेड वर्जन में भी है, मतलब कि आप ये ऐप को आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ एडवांस फीचर जो हैं वो पेड हैं, लेकिन इसके जो बेसिक फीचर हैं वो फ्री हैं। और हम अगर बेसिक फीचर्स को भी यूज करके एनिमेशन बनाते हैं तो भी बहुत अच्छा एनिमेशन बन सकता है, लेकिन कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो पेड हैं, लेकिन इसके जो बेसिक फीचर हैं वो फ्री हैं, और इसको डाउनलोड करने के लिए किसी तरीके की कोई पेड रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या, इसके आइकन्स, इसके फीचर्स क्या हैं, फिर हम सीखेंगे कि इससे हम क्रिएट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें क्रिएट करने से पहले पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो इसको हम डैशबोर्ड कहते हैं, जो स्क्रीन सबसे पहले हमारे फोन पर खुलती है इसको ऐप को ओपन करने के बाद, तो उसको हम डैशबोर्ड कहते हैं। इसमें आप देखेंगे जो प्लस का जो आइकन है, इसमें जो लिखा है न्यू मूवी, हम इस आइकन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की स्क्रीन हमारे मोबाइल फोन पे मिलती है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ आइकन्स हमें मिले हैं हमारे राइट, मेरे राइट हैंड साइड पे ये आइकन्स हैं कुछ, और लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ आइकन है, और बीच में एक आइकन है। तो ये आइकन क्या है, ये है कैमरा आइकन। आप अपनी स्टोरी को क्रिएट करने के लिए कैमरा आइकन पे क्लिक करके उसके फोटो क्लिक करेंगे। सेकेंड सेकेंड आइकन है, आप देखेंगे अंडू आइकन, इससे आप अंडू कर सकते हैं। ये फोर्थ आइकन है इसका प्ले बटन, आप इस पे अपने फोटोग्राफ्स को क्लिक करने के बाद इसको प्ले करके अपनी मूवी को देख सकते हैं, इसको मूवी का प्रीव्यू आपको मिलेगा इसको प्ले बटन से। जो लेफ्ट हैंड साइड जो फर्स्ट आइकन है, ये जो बैक आइकन है, एरो आइकन है, ये बैक बटन है, इस पे क्लिक करके आप वापस डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। ये वॉइस ओवर है, आप इस बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी मूवी पे सिंग करने के लिए। आप यहाँ पे कोई भी स्टोरी लाइन आपको रिकॉर्ड कर सकते हो, नरेशन रिकॉर्ड कर सकते हो, और उसको अपनी मूवी के साथ आप सिंग कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपने वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कर सकते हो। जो प्लस आइकन है इसके बाद, जो आप ये प्लस आइकन देख रहे हो, इसमें लिखा है एड इमेजेस ऑडियो क्रेडिट्स एंड कैप्शंस टाइटल्स। तो ये जो फीचर है जो अभी मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ एडवांस फीचर हैं जो हमारे फ्री वर्जन में नहीं है, तो ये जो फीचर है एड एक्सटर्नल इमेजेस, प्लीज आप केयरफुली सुनिएगा, एड एक्सटर्नल इमेजेस मतलब आपके फोन की गैलरी में अगर कोई इमेज है और आप इसको अपने वीडियो में इंसर्ट करना चाहते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके फोन की गैलरी में कोई इमेज है और उसको आप अपने वीडियो में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो आप इस वर्जन में नहीं कर सकते, वो फ्री वर्जन में नहीं है। फ्री वर्जन में आपको हर एक इमेज को क्लिक करना पड़ेगा। सिमिलरली आप कोई ऑडियो जो आपके फोन की डिवाइस में, आपके फोन में ऑलरेडी डाउनलोडेड वीडियो है, डाउनलोडेड ऑडियो है, या डाउनलोडेड म्यूजिक है, आप उसको अगर ऐड करना चाहते हो तो वो आप नहीं कर सकते, आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके इसमें ऐड करनी होगी। ये वर्जन जो है वो पेड वर्जन में है, प्रीमियम वर्जन में आप एक्सटर्नल ऑडियो एक्सटर्नल इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हो कि आप उस प्रोग्राम का टाइटल और उसका क्रेडिट स्लाइड ऐड करना चाहते हो, स्लाइड ऐड करना चाहते हो, तो वो भी आपके प्रीमियम वर्जन में है,
फ्री वर्जन में नहीं है। तो एक अपने एक्सटर्नल ऑडियो, इमेजेस, क्रेडिट्स, टाइटल्स, ये सारे जो के फीचर्स हैं वो आपके प्रीमियम वर्जन के फीचर हैं, फ्री में नहीं कर सकते। आप वॉइस को रिकॉर्ड करके अपने वीडियो के साथ सिंक कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। और आपको जो भी इमेज, आपको जो भी फ्रेम आपको क्लियर आपको रखना है, आपको अपनी मूवी में रखना है, वो आपको खुद से क्लिक करना पड़ेगा फ्री वर्जन में। अब लास्ट ये आप देखेंगे सेटिंग बटन है। सेटिंग बटन में आपको इसमें आपको काफी फीचर मिलेंगे जो हम देखेंगे भी आगे, कि इससे आप मूवी की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो, कि आपको मूवी फास्ट रन करनी है, स्लो रन करनी है, मूवी की क्वालिटी को एडजस्ट कर सकते हो, उसके एस्पेक्ट रेशियो को एडजस्ट कर सकते हो, मूवी को फेड इन फेड आउट कर सकते हो। कि जैसे आपने देखा हो इफेक्ट हम डालते हैं कि जब स्टार्टिंग होती है तो बहुत फेड इन स्टार्टिंग होती है और फेड आउट एंडिंग होती है, तो वो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आप सेटिंग में यूज कर सकते हो। अब नीचे आप देखेंगे कि एक आइकन है जिसपे लिखा है टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब है कि जो भी आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो, जैसे स्टॉप मोशन एनिमेशन में स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन में हमने देखा था कि लिखा था कि हम पिक्चर्स को क्लिक करते हैं, उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं और फिर उसको प्ले करते हैं, थ्री स्टेप हमने बताए थे। तो इसमें क्या टाइमलाइन में आपके जो पिक्चर्स आपने क्लिक की हैं और जिस सीक्वेंस में क्लिक की हैं वो उसी सीक्वेंस में आपकी टाइमलाइन में अपियर होने लगती हैं। इससे क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी एक सेपरेट फ्रेम एडिट करना है तो आप अपनी टाइमलाइन से उस सेपरेट फ्रेम को, उस पर्टिकुलर फ्रेम को एडिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम अभी देखेंगे आगे। जब आप अपने कैमरा आइकन पे क्लिक करते हो तो आपको ये कुछ आपको आइकन्स दिख मिलेंगे। वो आइकन क्या है? ये बैक बटन है, ये आप देख सकते हैं कि बैक बटन। इससे आप पीछे प्रीवियस स्लाइड पे चले जाओगे। ये आपका टाइमर है, इसमें आपको इस क्योंकि इस ऐप में आपको क्या करना है, फोटोग्राफ्स क्लिक करने हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम मैनुअली फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं तो हमारे हाथ को हिलने से हमारे हाथ कई बार हिल सकते हैं, या फिर शेक होने से हमारे फोटोग्राफ्स हिल सकते हैं, ठीक से हो सकता है वो ना आए। तो हम यहाँ पे टाइमर को सेट कर सकते हैं कि हमारी जो ऑटोमेटिकली फोटोग्राफ क्लिक होती रहे, हम बस एक एंगल सेट कर लें और फोटोग्राफ हमारे ऑटोमेटिकली क्लिक होती रहे। तो टाइमर है, इसमें आप 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ऐसे टाइमर को सेट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, इस पे क्लिक करके आप फोटोग्राफ क्लिक करेंगे। ये क्लिक बटन है और ये हमारा प्रीव्यू है, जिसे हमने जो भी क्लिक किया उसका हम प्रीव्यू कर सकते हैं। और ये जो आप आइकन देख रहे हैं, 4 बार्स देख रहे हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपने 4 बार पे क्लिक किया तो यहाँ से फॉन्ट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसे हम जूम, आप देखते हैं जूम को हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ये हमारी ब्राइटनेस को हम कर सकते हैं। और ये जो आइकन है इसमें हम हॉरिजॉन्टल आप वर्टिकल इस तरीके से उसको रोटेट कर सकते हो, अपनी मूवी को रोटेट कर सकते हो। अब ये है टाइमर बटन, आप टाइमर पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको टाइमर आ जाएगा, टाइमर सेट कर सकते हो, जो जितने सेकंड पर आप चाहते हैं कि फोटोग्राफ्स क्लिक हो आप उतने सेकंड के लिए टाइमर को सेट कर सकते हो। अब ये है आपका, जैसे कि जो हमने यही स्टोरी बोर्ड देखा था, तो ये हमारा पेपर कटआउट का जो हमने ये बनाई है स्टोरी, पेपर कटआउट है क्योंकि यहाँ पर हमने पेपर पे एक बैकग्राउंड बनाया है और हमने कटआउट्स के माध्यम से ये हम आप देखेंगे पॉट हमने कटआउट के माध्यम से बनाया है, ये हमने क्रो कटआउट के माध्यम से इसको हम दिखा रहे हैं। तो हमने इस स्टोरी को क्लिक किया एक सीक्वेंस में, तो आप देखेंगे सारे फोटोग्राफ्स हमारे टाइमलाइन पर आ रहे हैं। ये आप देखेंगे 1/37, इसका मतलब ये है कि हमने इस स्टोरी को क्रिएट करने के लिए हमने 37 फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं। तो ये सारे फोटोग्राफ्स आपकी टाइमलाइन पे शो हो रहे हैं।
ये आप देख सकते हैं। अब जैसे आपको किसी एक पर्टिकुलर फोटो को एडिट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एडिटिंग ऑप्शंस यहाँ पॉपअप में आपको दिखेंगे। एडिटिंग ऑप्शंस यहाँ आ रहे हैं, तो फर्स्ट जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो है इंसर्ट कैमरा। अगर आपको लगता है कि ये 20th और 21st फ्रेम के बीच में एक और फ्रेम होना चाहिए, मतलब आपको लग रहा है कि एक कोई फ्रेम या सीन मिसिंग है और आप इनके बीच में कोई फ्रेम आप चाहते हैं इंसर्ट करना, तो आप उस जिस फ्रेम के बाद आप इंसर्ट करना चाहते हैं पहले उसको क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने 20th फ्रेम को क्लिक किया हुआ है, मैं इंसर्ट कैमरा करूंगी और फिर मैं क्लिक करूंगी तो मैं 20th और 21st इन फ्रेम्स के बीच में एक नया फ्रेम इंसर्ट कर सकती हूँ। तो इंसर्ट कैमरा जो फीचर है उसके उससे हम कोई भी फ्रेम बीच में ऐड कर सकते हैं। पॉज बटन का मतलब है कि ये जो 20th फ्रेम है मेरी मूवी जब प्ले हो रही है तो मैं चाहती हूँ ये पर्टिकुलर फ्रेम, जैसे कि इसमें मैंने कुछ रिटन इंफॉर्मेशन दी है, जो मैंने बच्चों के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कोई रिटन इंफॉर्मेशन दी है, तो जो मूवी की स्पीड होती है कई बार ऐसा होता है कि वो टेक्स्ट पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि इस पर्टिकुलर स्लाइड पर ये मेरी मूवी में ये पर्टिकुलर स्लाइड कुछ टाइम के लिए और स्टे करे मूवी स्क्रीन पर कुछ लंबे समय के लिए रहे, तो मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड पर पॉज अप्लाई कर सकती हूँ और आप पॉज में अपना टाइम सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें 10 सेकेंड सेट किए तो ये पर्टिकुलर स्लाइड मेरी जब ये मूवी चलेगी तो ये पर्टिकुलर स्लाइड 10 सेकेंड के लिए मेरी स्क्रीन पर स्टे करेगी। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रेम पर पॉज को अप्लाई कर सकते हैं। ऑडियो ऑडियो में क्या होता है कि जैसे कि बताया था कि हम अपनी रिकॉर्डेड वॉइस को ऐड कर सकते हैं, और दूसरा फीचर था कि हम इसमें कोई भी एक्सटर्नल ऑडियो ऐड कर सकते हैं। पर अगेन कि हम अगर कोई भी एक्सटर्नल ऑडियो करेंगे तो वो हमारा प्रीमियम वर्जन है, तो उसको हम फ्री में यूज नहीं कर सकते। अगर आप प्रीमियम वर्जन लोगे तो आप सब सारे फीचर यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें अब क्या है, हम रिकॉर्डेड जो हमारी ऑडियो है उसको हम इससे ऐड कर सकते हैं, और ऑडियो फीचर से हम रिकॉर्डेड वीडियो को रिप्लेस भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन, एडिट में काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप थोड़ा सा कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, प्लेन बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। इरेज का ऑप्शन, मर्ज, रिवर्स, ये जो तीन ऑप्शंस हैं वो हमारे प्रीमियम वर्जन में है, वो फ्री वर्जन में नहीं है। हम किसी भी दो वीडियो को मर्ज नहीं कर सकते, हम रिवर्स नहीं कर सकते, ये हमारा प्रीमियम का फीचर है। अब आप ये देखेंगे सिलेक्ट, हम फ्रेम को सिलेक्ट करके उनको कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो किसी भी पिक्चर को एडिट करने के लिए अगर आप किसी पर्टिकुलर पिक्चर को एडिट करना चाहते हैं तो आप अपनी टाइमलाइन में जाएंगे, उन टाइमलाइन में जाके हम उस पर्टिकुलर पिक्चर को भी हम एडिट कर सकते हैं एडिटिंग ऑप्शंस के थ्रू। अब स्टोरी मैंने क्रिएट कर ली, अब मैं उस स्टोरी के उस स्टोरी का नरेशन भी ऐड करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आइकन जो है उसको इस पे मैंने प्रेस किया, जो हमारा वॉइस ओवर आइकन था, तो यहाँ आप देखेंगे स्क्रीन पे रिकॉर्ड का बटन आ रहा है। आप रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप इसमें रिकॉर्ड करके इसको प्ले कर सकते हैं। प्ले करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो के साथ मर्ज हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। आपने जैसे ही वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया और आपने प्ले किया, प्ले करने के बाद डन का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं डन का ऑप्शन है, आपने डन किया तो वो आपका जो वॉइस ओवर है वो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो के साथ सिंक हो जाएगा। अब ये हमने जो सेटिंग मैंने आपको आइकन बताया था जिससे कि आप अपनी मूवी की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो, एस्पेक्ट रेशियो को कर सकते हो, तो ये आप देखेंगे कि आपने जैसे सेटिंग बटन पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये टाइमर है, आप अपनी मूवी की स्पीड को सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं आपकी मूवी की स्पीड स्लो रहे तो आप 1 पर सेट करेंगे,
और जितना आप नंबर को इंक्रीज करेंगे आपकी मूवी उतनी ही फास्ट प्ले होगी। तो मूवी को स्लो रन करने के लिए आप 1 पे सेट करेंगे और जितना भी इंक्रीज करते जाएंगे नंबर्स को आपकी मूवी की स्पीड उतनी ही फास्ट हो जाएगी। ये जो आप सेकंड आइकन देख रहे हो ये हमारा फेड इन फेड आउट का ऑप्शन है, आप फेड इन फेड आउट अप्लाई कर सकते हो। जो थर्ड आइकन आप देख रहे हो ये एस्पेक्ट रेशियो का है, आप इससे अपनी मूवी का एस्पेक्ट रेशियो सेट कर सकते हो। ये फोरग्राउंड है, इसमें आपको कुछ फ्री मिलेंगे कुछ पेड मिलेंगे, सारे फ्री वर्जन में नहीं है। इसके बाद ये फिल्टर है, आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। आप अपनी मूवी को ब्लैक एंड व्हाइट बनाना चाहते हो तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ फिल्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये आपका क्वालिटी है, अपनी मूवी को आप HD में अल्ट्रा बेस्ट HD क्वालिटी और 4K में आप जिस क्वालिटी में आप करना चाहो उसमें आप डाउनलोड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद अगेन ही हमारा प्रीव्यू बटन है, हम उससे प्रीव्यू अपनी मूवी का प्रीव्यू देख सकते हैं। अब हमने अपनी मूवी एडिट कर ली, हमने स्पीड भी मेंटेन कर ली, सेट कर ली। अब इसके बाद हम बैक बटन यूज करेंगे, जो ये आप देख सकते हैं आपकी जब मूवी फिनिश हो गई आपने एडिटिंग कर ली, आप इस बैक बटन से अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो आप देखेंगे जो मूवी आपने क्रिएट की है वो हमारे डैशबोर्ड पे अपीयर हो रही है, यहाँ पर हमारी ऑटोमेटिकली सेव हो रही है। इसको आप राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी फाइल का रीनेम करते हैं हम, तो सिमिलरली उसी तरीके से हम इसको रीनेम कर सकते हैं। अब आप इस जो आपने मूवी एनिमेशन क्रिएट किया है उसको आप शेयर करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उस पर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप देखेंगे कि जो टॉप में ब्लू बार आ रहा है इस पे कुछ आइकन्स हमें दिख रहे हैं। फर्स्ट आइकन अगेन वो एक फाइनल प्रीव्यू आइकन होता है कि जिसमें आप अपनी मूवी का फाइनल प्रीव्यू कर सकते हैं। सेकंड आइकन जो आप देख रहे हैं वो शेयर बटन है, इस पे क्लिक करके हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में अपनी मूवी को शेयर, अपनी वीडियो एनिमेशन को शेयर कर सकते हैं। वो हम अभी देखेंगे कि हम किन फॉर्मेट्स में शेयर कर सकते हैं। थर्ड आइकन आप जो देख रहे हो वो कॉपी आइकन है, जिसमें आप अपने एनिमेशन की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो। अब डुप्लीकेट कॉपी बनाने की क्यों क्या जरूरत है हमें, मतलब क्या बेनिफिट है? तो डुप्लीकेट कॉपी बनाने का बेनिफिट ये है कि आपने कोई एनिमेशन क्रिएट किया और आप चाहते थे कि ये एनिमेशन मल्टीपल लैंग्वेजेस में करूं, जैसे कि मेरी क्लास में इंग्लिश के कुछ बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो हिंदी में कंफर्टेबल हैं। तो मैंने प्रोजेक्ट बनाया, मैंने अपनी मूवी बनाई, उसमें मैंने पहले हिंदी में उसमें वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके ऐड किया, फिर मैंने इसकी कॉपी बनाई, डुप्लीकेट कॉपी बनाई और मैंने एडिट में जाके वहां पर उसकी ऑडियो इंग्लिश में रिकॉर्ड कर ली। तो इसमें आपको केवल ऑडियो मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड करके ऐड करके हम एक ही एनिमेशन को एक मल्टीपल लैंग्वेजेस में क्रिएट कर सकते हैं, आप रीजनल लैंग्वेजेस में क्रिएट कर सकते हो। तो एक ही मूवी को आपको मूवी सिर्फ एक ही बार एनिमेशन एक ही बार क्रिएट करना पड़ा, लेकिन आपने वॉइस ओवर मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड करके आपने एक ही प्रोग्राम को मल्टीपल लैंग्वेजेस में क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पर इस कॉपी के आइकन से हम अपनी जो मूवी है एनिमेशन उसकी मल्टीपल कॉपीज डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। और ये डिलीट का ऑप्शन है, आपने क्रिएट कर लिया, आपने शेयर कर ली, आप इसको डाउनलोड कर ली तो आप अपने डैशबोर्ड से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। अब ये है शेयर बटन। तो आप देखेंगे हम कितने फॉर्मेट्स में इसको शेयर कर सकते हैं। पहला है हमारा मूवी फॉर्मेट, तो मूवी फॉर्मेट में आप जब अपने एनिमेशन को मूवी फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करते हैं इसका मतलब है कि जो प्रोग्राम आपका है वो MP4 फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। MP4 फॉर्मेट जो है बहुत ही मोस्ट कंपैटिबल फॉर्मेट होता है,
जो हर डिवाइस को सपोर्ट करता है। आप चाहे किसी भी डिवाइस में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, मोबाइल में, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं, आईओएस यूजर हैं, हर एक डिवाइस में ये कंपैटिबल होता है। तो मोस्ट कंपैटिबल फॉर्मेट होता है MP4 फॉर्मेट। तो अब जब मूवी के फॉर्मेट में इसको आप डाउनलोड करते हैं, तो ये MP4 फॉर्मेट में डाउनलोड होके आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आप मोबाइल की गैलरी से इसको किसी को भी, किसी भी चैनल के थ्रू, आप व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब ईमेल के थ्रू, किसी भी थ्रू आप इसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड आप देखेंगे एनिमेटेड GIF फॉर्मेट। तो इससे आप इसको एनिमेटेड GIF फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। इमेज फॉर्मेट, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी स्टोरी आप इमेज फॉर्मेट में करेंगे, तो इसका मतलब जितने भी आपने फोटोग्राफ्स क्लिक किए थे, आप जो आपके टाइमलाइन में शो हो रहे थे, जितना नंबर आपका शो हो रहा था, वो सारे फोटोग्राफ्स जो हैं वो एक इमेज फॉर्म में आ जाएंगे। तो आप इमेज फॉर्म में डाउनलोड करके अपनी एनिमेशन को एक स्टोरी बुक भी बना सकते हैं। आप एक प्रिंटेड स्टोरी बुक की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, और इसको एक एनिमेटेड मूवी की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इसका हमें ये भी बेनिफिट है कि हमारी एक ही स्टोरी मल्टीपल फॉर्मेट्स में हमें मिल जाती है। और ये फ्लिपबुक फॉर्मेट क्या है? इसमें आप जब इसको डाउनलोड करेंगे, तो ये एक PDF के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप आपने स्टोरी सिर्फ एक बार बनाई, एनिमेशन एक बार बनाया, जिसको आपने मल्टीपल फॉर्मेट में डाउनलोड करके आपकी वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज आपको एक ही बार में मिल जाते हैं। मूवी मिल जाती है आपको इमेजेस के फॉर्म में, स्टोरी बुक मिल जाती है, और एक ही PDF फॉर्म में भी आपको मिल जाता है। और नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो है वो स्टॉप मोशन जो स्टूडियो ऐप है उसका अपना एक्सटेंशन फॉर्मेट है। तो बाकी ये चार फॉर्मेट है मोस्ट कंपेटेबल फॉर्मेट्स हैं, किसी भी डिवाइस में आराम से प्ले होते हैं, चलते हैं, और शेयरिंग भी आप आराम से कर सकते हैं। अब अगर हम मैंने एक्सपोर्ट मूवी पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि आपको इस तरीके की स्क्रीन मिलेगी, जिसमें वो आपसे पूछेगा कि आप, तो आप डायरेक्टली अपने जो मूवी आपने एनिमेशन क्रिएट किया है, उसको आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू और वेरियस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। और साथ में वो कहेगा कि आपको सेव वीडियो। इसका मतलब है कि अगर आप सेव वीडियो करते हैं, तो ये आपके फोन की गैलरी में जाके सीधे सेव हो जाएगी, और इसको हम फोन में डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। और फोन की गैलरी से जैसे हम कोई भी मैसेज किसी भी मैसेंजर के थ्रू शेयर करते हैं अपनी फोन गैलरी से, सिमिलरली इसको भी हम वैसे ही आराम से व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ओवरऑल आपका ओवरव्यू था एक ऐप से, कि ऐप में क्या फीचर हैं और कैसे ये फीचर्स क्या हैं, आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी स्टॉप मोशन एनिमेशन का, कटआउट एनिमेशन का। फिर मैं आपको एनिमेशन एक एग्जांपल दिखाऊंगी आपको क्ले का, और फिर हम डेमो देखेंगे कि हमने फिर हम डेमो पार्ट देखेंगे कैसे हमने ये क्रिएट किया है। ये एक स्टॉप मोशन एनिमेशन है, कटआउट एनिमेशन है। कुछ पत्थर
कुछ चपटे कुछ थे नुकीले, कुछ जैसे हो मोटी कीले। कुछ कुदाल कुछ भाले जैसे, कुछ मीठे चाकू से पत्थर से पत्थर को मार, बना रहे थे वो हथियार। टकराया पत्थर से पत्थर, तब उससे निकली चिंगारी। पास ही था पत्तों का ढेर, आग सुलगते लगी न देर। सीख लिया जब आग जलाना, सर्दी का मौसम बना सुहाना। उनकी गुफा हो गई रोशन, खाने लगे पका कर खाना। खाने लगे पका कर खाना। खाने लगे पका कर खाना। आग। हाँ, तो ये एक स्टॉप मोशन एनिमेशन, कटआउट एनिमेशन का एग्जाम्पल था। इसमें आपने देखा होगा कि कुछ नहीं है, एक मड बेस था, मिट्टी का एक बेस था, जिसपे पेपर के कटआउट से सारे कैरेक्टर्स बनाए गए थे, और उसका स्टेप बाय स्टेप उनको उसका एक सीक्वेंस था जिसको क्लिक किया गया, और ये स्टॉप मोशन एनिमेशन। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो स्टॉप मोशन एनिमेशन था, इसको हमने ऐप के थ्रू नहीं बनाया था, ये स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था। और इस जो एनिमेशन था, इसकी ड्यूरेशन थी 2 मिनट 36 सेकेंड्स। तो इसको क्रिएट करने के लिए मोर देन 1000 क्लिक किए गए थे, क्योंकि इसमें आपने देखा हाथों के मूवमेंट, पैरों के मूवमेंट, क्योंकि हमें इस जो एनिमेशन हम क्रिएट करते हैं स्टॉप मोशन, उसमें हर एक मूवमेंट पर हमें एक फोटोग्राफ क्लिक करना होता है। तो वो हमने इससे किया। हाँ, एक चैट में मैसेज है कि प्लीज एनिमेशन यू फ्रेम्ड ऑन स्टोरी। हाँ, मैं वो भी दिखाऊंगी, एटलीस्ट डेमो उसी का होगा, लेकिन आपको एक आइडिया दे रही थी कि कटआउट एनिमेशन क्या होते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल और दिखाऊंगी कि वो क्ले एनिमेशन जो हम या हम कह सकते हैं पपेट एनिमेशन क्या होता है। उसके बाद जो स्टोरी हमने फ्रेम की थी, ये जो इसमें जो म्यूजिक है वो तो हमारे एक्सपर्ट जो हमारे ऑडियो डिपार्टमेंट है उन्होंने ही इसको रिकॉर्ड किया था। और मैं ये बताना चाहूंगी जो ये पोयम थी, और जो आने वाली जो नेक्स्ट जो एनिमेशन दिखाऊंगी उसकी भी पोयम जो थी वो प्रोफेसर इंदु कुमार मैम ने ही लिखी थी, और उन्हीं के डायरेक्शन में ये प्रोग्राम बने हैं। तो ये प्रोग्राम जो है वो उनके डायरेक्शन में बनाए गए हैं एनिमेशन। तो एक एग्जाम्पल मैं और दिखाऊंगी, फिर हम उसी स्टोरी पे चलेंगे, और आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने उस ऐप के थ्रू ये बनाया था। ये जस्ट आपको दिखाने का पर्पस है कि आपको आइडिया हो कि कटआउट एनिमेशन क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, और स्कूल लेवल पर ये बनाना हाँ डिफिकल्ट है। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए था, लेकिन स्कूल लेवल पर आप बहुत आसानी से हाथ से ड्रॉ करके बना सकते हैं। एक बार हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हम डेमो के लिए चलते हैं आगे। और आप ये भी देखेंगे कि इस तरीके के एनिमेशन से बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, जैसे आग की खोज, तो जो हिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिसको अगर हम अपने क्लासरूम में टीचिंग में आराम से इनको यूज कर सकते हैं, और जो बच्चा है उसके लिए भी बहुत आसानी से वो उसको समझ सकता है और विजुलाइज कर सकता है। हम 2 मिनट के वीडियो से हमने उसको आग की खोज कैसे हुई ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने
समझा दिया। तो इस तरीके के एनिमेशन जो होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं। ये आप इस तरीके के एनिमेशन अवेलेबल भी हैं एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप वहां से भी यूज कर सकते हैं और अपना खुद से खुद का भी कुछ आप ऐसा प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। खेती की शुरुआत। अन्न इकट्ठा करके एक दिन रही थी वो सब उसको बीन, रही थी वो सब उसको बीन, कुछ दाने रह गए जमीन पर, बारिश ने आ उनको सींचा, बारिश ने आ उनको सींचा। फिर बन गए वो पौधे, हाँ फिर बन गए वो पौधे। बच्चों ने तब उनको देखा और फिर माँ को भी दिखलाया, माँ की कुछ कुछ समझ में आया, माँ की कुछ कुछ समझ में आया। गिलहरी और चिड़ियों से उसने पहरा देकर उन्हें बचाया, पहरा देकर उन्हें बचाया। एक दिन सब रह गए चकित जब देखी अन्न गिरा था जो जमीन पर, भरी बालियां थी उससे ही। देख फसल तब उन्होंने सोचा, देख फसल तब उन्होंने सोचा, अब जीवन कुछ अच्छा होगा, अब जीवन कुछ अच्छा होगा, नहीं घूमना पड़ेगा हमको, नहीं घूमना पड़ेगा हमको, अब भोजन की खोज में दर दर, अब भोजन की खोज में दर दर। एक जगह ही रह कर अब हम खेती कर सकते जमीन पर, एक जगह ही रह कर अब हम खेती कर सकते जमीन पर, खेती कर सकते जमीन पर, खेती कर सकते जमीन पर। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि कटआउट, वो एक पेपर कटआउट को यूज किया गया था और यहाँ इसमें पपेट्स बनाए गए थे जो क्ले से बने थे। तो ये हमारा इसमें हमने क्ले के जो पपेट्स थे उनको बनाकर और तब हमने एनिमेशन को क्रिएट किया था। अब हम चलते हैं कि हम उस ऐप के माध्यम से कैसे हम क्रिएट करेंगे उसका, अब हम डेमो देखते हैं। टुडे वी विल क्रिएट स्टॉप मोशन एनिमेशन फॉर द फेमस स्टोरी द थर्स्टी क्रो। वी मस्ट हैव हेयर्ड अबाउट इट, सो वी विल क्रिएट स्टॉप मोशन एनिमेशन फॉर दिस स्टोरी एंड वी विल क्रिएट दिस स्टोरी बाय यूजिंग डिफरेंट कटआउट्स। वी कैन क्रिएट स्टोरी बाय यूजिंग पपेट्स क्ले
But today we will create this story stop motion animation by using cutouts. And here you can see this is the background image. Background, we will use this background for creation of stop motion animation. And here you can see some cutouts like a crow and a water jug, pebbles. And when a water jug with pebbles, so we will use these cutouts for creating our animation. So we will capture frame based on the storyboards. As we discussed earlier, we have created a storyboard for this story, and we have created a each of frame, and we captured these frames, these frames. So as discussed, here 8 icons are given. You can see on the right hand side, top icon is camera. So we will capture this frame by using this icon. So I'm clicking on this. Now you can see a red button. We can capture a frame by clicking on the red button. So I am clicking on it. So this is our first frame. Now I am clicking my second frame, where the crow is here, and click on the red button. I will move the position of the crow. I will move the position of the crow and I will click the frame. Again, move the crow and click the frame. Again, moving the crow and click the frame. Again, same procedure will do. Again, the close frame I will clicking. So now we can see the crow not able to drink a water because the water level of the jug is very low. So now he can see some pebbles here. So we will rotate the position of the crow and click some clicks on that frame. We will move it on down. Now, as we can see, crow picked up the pebble and now he moving towards the water jug, and we will capture this frame. We will capture each frame of this process.
Now again, we repeat the entire process. And we'll capture every moment. We will capture each and every detail. Now we can see after putting pebbles in the water jug, now crow is able to drink water and he is drinking water. We will capture this moment, this frame, and we will click all the frames. So we have clicked all possible frames for this story. Now we will see how many frames we have clicked. You can see at the bottom of right hand side 69 frames. So 69 frames are clicked for this story. Now I am clicking on the back button, and at the end of the screen we can see the timeline of this story, and we can see the every frame of this story. So as we are explained earlier, we can edit and we can add our voice in this story. Now we will edit our frames, like edit my frames timeline. So here we can see on frame number 65, the shadow is coming, my hand shadow is coming. So I want to delete this light. So what we can do is, I will click on this frame, and this editing options are coming. Here we can see a delete option. I will delete it, and this frame will delete it. So we can edit our timeline by using these edit option. If I want to copy my duplicate my frame, so I will click on copy button. And paste it here. So my so the duplicate frame will be created, and we will edit our timeline as we are required for. Now I am going to play this video by click on play button. So you can see the motion in the story, in the frames. If you realize that
वी कैन सी द ऑप्शन ऑफ ना इंसर्ट कैमरा, वी कैन क्लिक ऑन दिस एंड रीटेक द अना फ्रेम, वी कैन कट द फ्रेम, वी कैन कॉपी दिस फ्रेम एंड वी कैन डिलीट दिस फ्रेम, वी कैन इरेज एंड एडिट ऑल्सो एंड मर्ज एंड रिवर्स, जो रिवर्स फीचर विल बी अवेलेबल फॉर द प्रो वर्जन ऑफ स्टॉप मोशन एनिमेशन. नाउ इफ वी कैन सेट अवर वीडियो स्पीड बाई यूजिंग दीज ऑप्शंस, आई एम क्लिकिंग ऑन सेटिंग. हेयर वी कैन सी मूवी स्पीड, वी कैन सेट द स्पीड ऑफ अवर एनिमेशन मूवी. Now I have set 5 seconds per frame. We can set as per our requirement 3 second, 4 second, 5 second, 10 second. We can use this feature for speed adjustment. We can adjust color contrast, but this feature is available for the pro version, and we can use foregrounds. So these features, these some features are available with the free version. So we can use these feature for our animation. Now if we want to add our voice with the animation, we will use the voice icon. Now I am clicking on voice icon. Here we can see the record button on the screen. By clicking on this, we can record our voice and add with our animation. So now I am going to record my voice. I am clicking on the record icon. Here you can see the start recording. One hot day, thirsty crow flew all over the field looking for the water for a long time. And suddenly he saw a water jug near the tree. He flew down to the sea to see if there was any water inside, and he could see some water inside the jug. He tried to push his neck into the jug, but he could not do this because water level is very low. Then he saw some pebbles. He started picking up pebbles one by one, dropping each into the jug, and water level kept rising. He finally drank water and his plan had worked. The moral of the story is, think and hard work may find solution of any problem. I'm going to stop this recording. Now you can see all over the field looking for the water. Voice is coming with the video, and we can add narration of a story with the animation. If there was any water inside, and he could see some water inside the jug. He tried to push his neck into the jug. Now I am going to stop this play and click on done. Now I am going to play this animation with audio by clicking on play button. One hot day, thirsty crow flew. Now you can see audio is coming with the video. So you can create small animation with audio by using this stop motion animation app. Now we want to share our video with our friends and with our students. So for this we will click on the back button. Here we can see right left hand side top icon is back icon. We will click on this icon. Here this is the dashboard, and you can see this is the movie we have created. We will long press this icon, movie icon. So we can see the various icon is appearing
top of the screen. First icon is preview icon. If I am clicking on this, we can see the preview of the of our animation. All over the field, looking for the water for a long time, and suddenly he. Now I am pausing this, clicking on cross button, so we can preview our video by clicking on preview button. We can see the second icon of sharing. By using this icon, we can export our video in various format. First is in we can download or export our animation in the movie format. We can export as animated GIF format. We can export in images format. We can export in flipbook format, and we can export in project format. So today we will export our animation in movie format. I'm clicking on this. So after clicking on this, there are many options are coming on the screen. We can share our video via WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Gmail, Messenger, Twitter. So we and here we can see the various option. We can use this options to share our video, and we can save our video in phone in our phone also. So we can by clicking on save video, we can download this video in our phone gallery and phone gallery. So we can share our video by using these icons. Third number icon is copy icon. If you want to duplicate your movie, you want to copy your make a copy of your movie, so you can click on this icon and you can see the copy of duplicate copy of your movie. So you can duplicate and make a copy of our video. And fourth option is delete option. We can delete multiple copies. Yeah, so now I'm going to delete this duplicate copy. I'm clicking on this, select on this and delete it. I'm clicking on delete option. So ये एक बहुत ही सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन था कि किस तरीके से आप एनिमेशन बना सकते हो ऐप के एक ऐप के थ्रू. हाँ, बहुत सारे फीचर्स है इसमें. जैसे कि आपको बताया गया कि इसमें बहुत सारे फीचर्स है जो कि पेड है, प्रीमियम वर्जन में है, और बहुत सारे फीचर्स हैं जो फ्री है. जब हम किसी क्लासरूम में हम के लिए हम रिसोर्स बनाते हैं, तो इस अगर आप बहुत ही सिंपल बनाएंगे तो आपको किसी तरीके के एक्सपर्टीज की ऐसी जरूरत नहीं है. ये बहुत ही आप अगर एक बार आपको बस सारे फीचर्स पता चल जाएंगे तो बहुत ही सिंपल छोटे छोटे एनिमेशन. इट वॉज 2D एनिमेशन, 3D नहीं है. 3 डायमेंशन नहीं था इसमें, 2 डायमेंशन था. तो ये 2D एनिमेशन है. 3D एनिमेशन जो आपको वो दिखाया था, जो एक खेती की शुरुआत वाला एनिमेशन दिखाया था, वो 3D डायमेंशन था क्योंकि आपको उसमें 3 डायमेंशन दिख रहे थे. तो आप इसमें बना सकते हैं. और इसमें जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि इसमें हम ऑडियो एडिट कर सकते हैं या क्रॉप कर सकते हैं पिक्चर्स, तो इसमें हम पिक्चर्स को क्रॉप का ऑप्शन इसमें नहीं है, वो पेड वर्जन में होगा. और ऑडियो बीच में एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है. ऑडियो में अगर कोई फंबलनेस होती है या कोई वर्ड हम गलत प्रोनाउंस करते हैं तो ये थोड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि ये फ्री वर्जन है. तो ऑफकोर्स थोड़ी सी फ्री वर्जन की थोड़ी लिमिटेशंस तो होती ही है. तो उसमें आपको री रिकॉर्ड करना होगा. और ये भी था कि है ना, इसमें हम मैं एक बार आपके क्वेश्चंस देख लेती हूँ.
ये एक आपको एग्जाम्पल दिया गया था कि आप इस तरीके से बना सकते हैं। स्कूल के लिए आप बहुत ही बेसिक, आप कुछ हाथ से ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। आप अगर छोटे बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तो छोटे बच्चों के लिए आप बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उनको आप हाथ से ड्रॉ, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा एक पेपर के बैकग्राउंड बनाया गया था, उसपे एक बहुत ही दो तीन पेपर कटआउट थे उससे क्रिएट किया गया था। और अगर इसमें जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लिमिटेशंस हैं इसमें क्योंकि ये फ्री वर्जन है, तो जैसे कि आप अगर कोई भी वॉइस या कोई भी आपके डाउनलोडेड आप म्यूजिक ऐड करना चाहते हो, तो आपने आपके जो कल प्रीवियस सेशन हो, यही इस ट्रेनिंग का पर्पस है। हर ट्रेनिंग का जो सेशन है वो इस तरीके से प्लान किए कि आप इंटीग्रेशन भी सीखें। तो जैसे कल टूल बताया गया था ओपन शॉट, आप यहाँ से वीडियो बनाएं और वहां जाके एडिट करें, वहां पर आप कोई भी डाउनलोडेड ऑडियो आप ऐड कर सकते हो। और अगर ऐसा लग रहा है कि है ना, वहां से आप अगर आपके पास कोई ऑडेसिटी में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ओपन शॉट पर जाके उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो ये इंटीग्रेशन भी है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने क्रिएटिवली इसको यूज करते हैं। और बहुत ही सिंपल आप इसमें कर सकते हैं, क्रॉप का ऑप्शन हम इसमें नहीं नहीं कर सकते हम, क्योंकि लिमिटेशंस हैं इसकी। प्रैक्टिस ऑफ कोर्स, कोई भी अगर चीज हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कितना ही सिंपल क्यों ना हो, लेकिन उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत तो होती है। तो ये अगर आप एक बार ट्राई करेंगे, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान ये सॉफ्टवेयर है। जैसे कि इसमें था कि कुछ शॉट ऐसे थे जिसको हम कॉपी कर सकते थे, ये मीनाक्षी झा हैं दिल्ली से, उन्होंने कुछ ये दिया था, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये जो था एक डेमोन्स्ट्रेशन में हमने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया है, लेकिन कुछ शॉट ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि हम टाइमलाइन में जाके एडिट कर सकते हैं, वहां पे सिलेक्ट और कॉपी का ऑप्शन है, वहां पर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं देख लेती हूँ अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अगर मिस हो गया हो मैम। अगर फिर भी आपके ऐप का नेम स्टॉप मोशन स्टूडियो है, और ये इसको डाउनलोड करने का कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको वाकई में अच्छा लगता है, आपको इसके फीचर अच्छे लगते हैं, तो इसका 550 पर ईयर इसका सब्सक्रिप्शन होता है। इसका पर ईयर नहीं है, वन टाइम है इसका, वन टाइम है इसका ये, तो आप ले सकते हैं। शिफ्ट, देखिए शिफ्ट हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आपने वहां से शिफ्ट क्या किया, आपने वहां से कॉपी कर लिया, आपने कहीं और पेस्ट कर दिया। शिफ्ट करने के तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं, हम उसको शिफ्ट कह सकते हैं या उसको हम कॉपी पेस्ट भी कह सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है। तो इस अगर आपको शिफ्ट करना है फर्स्ट फ्रेम से 10th में, तो आप वहां से कट कर दीजिए, कट करके 10th पे पेस्ट कर दीजिए, तो वो आप कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे फीचर्स है, इसको किस तरीके से आपको यूज करना है ना, ये आपके भी ऊपर है। और इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको, जैसे कि बताया आप कुछ भी एडिटिंग करना है कुछ भी आपको, तो आप इसमें देखेंगे एडिटिंग के ऑप्शन में जाके, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है हमारे सेशन की, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको खुद भी एक्सप्लोर करनी होती है। ग्रुप है हमारा, आपके कोई भी डाउट्स हो आप वहां पर हमसे पूछ सकते हैं, और उसके बाद भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपके कोई भी, और ये सेशन की जो सारी रिकॉर्डिंग है, वीडियो जितने भी प्ले किए गए हैं ये, और जो मैंने आपको दिखाए भी थे, जो हिस्ट्री के, अगर हिस्ट्री के टीचर्स हैं अगर इस वर्कशॉप में, तो ये जो ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसको आप खुद भी यूज करते हैं, इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरी तरफ से था, हाँ ये मेरी तरफ से था। इसके बाद अगर आपने कुछ और भी, अगर आप अपना क्रिएट करते हैं तो आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। नहीं, बैकग्राउंड आप रिमूव नहीं कर सकते, बैकग्राउंड को आपको एक बार में ही सेट करना होगा।
आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वो किसी ने यहाँ पर पूछा नहीं, तो आपने डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट में एक चीज नोटिस की होगी कि हर एक फ्रेम को मैंने 2 या 3 बार क्लिक किया था। तो पर्पस ये है क्योंकि स्टॉप मोशन एनिमेशन पिक्चर्स पे चलता है, तो आप एक पिक्चर को अगर 2 3 बार क्लिक करते हो तो उसका जो ट्रांजिशन होता है ना, वो जर्किनेस नहीं होती है उसमें, बहुत स्मूथ होता है। और एक अच्छा, जैसे स्क्रिप्ट स्क्रीन में भी हमने देखा था कि जो भी हम अगर बनाते हैं एक अच्छा प्रोग्राम, उसमें जर्किनेस नहीं होनी चाहिए, वो स्मूथ होना चाहिए। तो आप जितने क्लिक करेंगे, जितने ज्यादा क्लिक करेंगे एक ही फ्रेम के, तो उसका जो इतना भी ट्रांजिशन जो होगा ना, वो उतना ही स्मूथ होगा। तो आपकी प्रोग्राम एकदम ऐसा लगेगा कि वो बहुत ही स्मूथ रन हो रहा है। आपकी खोज वाले वीडियो ग्रुप में शेयर कर देना मैम, ताकि मैं स्कूल बच्चों को पढ़ा। आप एनसीईआरटी ऑफिशियल पे जाएंगे, एनसीईआरटी ऑफिशियल जो है, एनसीईआरटी का यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप आपकी खोज लिखेंगे, आपको वो प्रोग्राम मिल जाएगा। और आपका जो खेती की शुरुआत है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें एनिमेशन बहुत हेल्पफुल होता है पढ़ाने के लिए, इसीलिए मैंने आपको वो 2 वीडियो जरूर दिखाए थे, ताकि आपको समझ जाए कि किस तरीके से एक छोटे एनिमेशन से आप जो एक कॉन्सेप्ट है वो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी समझा सकते हैं। ऐप देखिए, हर ऐप बेस्ट है, और हर ऐप में कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। कोई एक ऐप आपको ऐसा नहीं मिलेगा फ्री में, अगर हम बात करें, क्योंकि अगर आपको फ्री में, आपको मैक्सिमम अगर आपको चाहिए तो फ्री में आपको कुछ, कोई भी ऐप ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें कि आप सब कुछ फीचर आपको मिल जाए। और अगर पेड में जाएंगे तो आपको मिल भी सकता है। तो ये जो ऐप है वो आपको फ्री में बहुत सारे वो देती है, फीचर्स देती है। मैंने आपको एक जो लिस्ट दिखाई थी, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी। वो पीपीटी में एनिमेशन के बहुत सारे मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, उसमें ऐप हैं। तो वहां पर, वहां से आप किन मास्टर जो है वो कॉपीराइट, आप देखेंगे किन मास्टर से आप जो बनाएंगे उसमें किन मास्टर का वॉटरमार्क आता है। लेकिन आप इससे अगर कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो वॉटरमार्क नहीं आएगा इसमें, किसी भी तरीके का वॉटरमार्क नहीं आएगा। ये एक ऐसा ही प्रोग्राम आएगा जैसा कि आपने, आपकी वीडियो होती है जो आपको पेड, हाँ, वॉटरमार्क की किन मास्टर में, वही मैंने बोला वॉटरमार्क का वो होता है, तो वो आपको देगा। अगर आप वॉटरमार्क हटाएंगे तो वो पेड होगा। तो ऐसे तो बहुत सारे ऐप है, और हर ऐप अच्छी है, और हर ऐप में कोई लिमिटेशन है। तो ये क्रैक वर्जन करते हैं, तो वो भी एक आपका कॉपीराइट इश्यू होता है। क्रैक वर्जन हम कर लेते हैं, लेकिन कॉपीराइट इश्यू तो होता ही है। लेकिन इसमें आप बनाएंगे वो आपका कॉपीराइटेड इश्यू नहीं होगा, क्योंकि वो आपका अपना प्रोग्राम है, आपकी कॉपीराइट है उस पर कि आप उसको कैसे करें। ठीक है, तो अगर इसमें किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम ये सेशन को अब यही, वीडियो स्पीड सेटिंग का ऑप्शन कहाँ है, जो आप ऐप को जब ओपन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक सेटिंग आइकन आता है उस पर आप क्लिक करेंगे, तो पहला ही जो ऑप्शन है वो स्पीड सेटिंग का है। मैंने बताया था, अगर आप फर्स्ट पे रखते हो अपनी स्पीड, तो वो स्लो रहेगी। जितना नंबर इंक्रीज करोगे आपकी मूवी उतनी ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी। बहुत अच्छी बात लिखी है, यू कट ऐप आर नॉट नो कॉपीराइट। आइटम में वॉटरमार्क नहीं आता, वॉइस ओवर भी होता है एडिट भी, हाँ तो होगा, बहुत सारी ऐप होंगी, जरूर होंगी। अच्छी बात है, आप एक्सप्लोर करिए, ज्यादा एक्सप्लोर करिए, और फिर क्या पता कि नेक्स्ट उसमें हम आप में से किसी एक को रिसोर्स पर्सन रखेंगे। तो ये, क्योंकि आप हमारे रिसोर्स पर्सन, हमारा जो SRG है, स्टेट रिसोर्स पर्सन का ही ग्रुप है, आप हमारे एक्सपर्ट हैं, आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हैं। तो आप जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितनी आपकी एक्सपर्टीज होगी, नेक्स्ट टाइम में क्या पता आप भी ये सेशन ले रहे हो किसी ट्रेनिंग में। तो ठीक है, अब हम इस सेशन को क्लोज करते हैं यहीं पर। कोई डाउट हो आप ग्रुप में पोस्ट करिएगा, और सारे सेशंस जो है CIT की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। वहां पर सारी रिकॉर्डिंग आपको, और PPT और सारे लिंक्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम लंच ब्रेक करते हैं।